ने बनाए गए स्मारक का उद्घाटन इस वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीरें उसी वक्त की हैं। सीआरपीएफ के एडीजी जुल्फिकार हसन ने पुलवामा की पहली बरसी पर कहा कि सारे फोर्सेज ने मिलकर प्रयास किया। फिलहाल एनआईए जांच कर रही है जो कि सही दिशा में चल रही है। सारे फोर्सेज ने मिलकर पुलवामा अटैक के बाद एक कंसर्टेड एफर्ट किया था। आपको खुद मालूम है कि उनके चंद महीनों के अंदर जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे और जो मेन टेररिस्ट थे वो न्यूट्रलाइज हो गए थे। उसके बाद कई लोग अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने बाहर से एज ओजीडब्ल्यू उनकी मदद की थी। तो जो हमारे जिन लोगों ने ये हादसा अंजाम दिया था उनका हिसाब किया जा चुका है। और बाकी रही बात फैमिलीज, जिन मार्टियर्स की जो फैमिलीज हैं वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एंड वी हैव अ स्ट्रक्चर सिस्टम एंड वी ट्राइड अ बेस्ट टू टेक केयर ऑफ देम। तो पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों की याद में बनाए गए स्मारक का आज उद्घाटन हुआ और इस स्मारक को 40 शहीद जवानों के घरों से लाई गई मिट्टी इसमें मिली है जिससे स्मारक बनाया गया है। हमारे संवाददाता अमन चोपड़ा ने इस स्मारक का जायजा लिया, आप उनकी रिपोर्ट देखिए। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के भुजते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। देखिए आज का दिन इस वक्त जहां हम मौजूद हैं 14 फरवरी 2019 आज उसको एक साल पूरा हुआ। ये जो आप देख रहे हैं 40 जवानों के जो हैं वो नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं एक एक करके। अगर आप देखें शहीद राठौड़, नितिन शिवाजी, शहीद अश्विनी कुमार, इसके अलावा शहीद भागीरथ सिंह, शहीद पीके साहू, शहीद तिलकराज, शहीद रोहिताश लांबा, शहीद मनिंदर सिंह, शहीद पंकज कुमार, शहीद बबलू संतरा, शहीद नारायण लाल गुर्जर, अवधेश कुमार, ये नाम बहुत जरूरी हैं लोगों को याद रखना। इन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज उन्हीं को याद करने का दिन, उन्हीं को नमन करने का दिन। ये वो सिर्फ 40 नाम नहीं है, ये वो नाम हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी जो सबसे भयावह सबसे खौफनाक आतंकी हमला हुआ। और उसके बाद आज 14 फरवरी 2020 एक साल बाद इस तरह से उनको नमन, उनको श्रद्धांजलि देने की यहाँ पर कोशिश, ये स्मारक उनकी याद में, 40 जवानों की याद में ये स्मारक। और देखिए सबसे खास चीज जो आज जो जाननी जरूरी है, ये जो आप कलश रूपी ये जो आप देख रहे हैं, ये आप इस चीज को इस तरह से समझिए, ये जो 40 जवान जो शहीद हुए हैं उनके आंगन की मिट्टी है, ये उनके आंगन की मिट्टी है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले उमेश जाधव हैं, आपको बताना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले उमेश जाधव हैं, वो म्यूजिशियन हैं प्रोफेशन से, और वो 40 आंगन जो हैं शहीदों के वहां से मिट्टी इकट्ठा करके लाए हैं। ये 40 जवानों जो शहीद हुए हैं उनके घर के आंगन की मिट्टी है। कलश को जुल्फिकार हसन जो कि स्पेशल डीजी हैं वो वहीं पर उसको स्थापित करेंगे। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं अमन चोपड़ा, 185 बटालियन पुलवामा।